हाय गाइस, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ सब आप ठीक होंगे। दिवाली के बाद आज हमने कहा छोटी सी एक पिकनिक कर लें। सब बच्चों की डिमांड थी, तो बच्चों का भी इंट्रो दिखाता हूँ आपको भी। हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं और ये पीछे छोटा सा चूल्हा और कढ़ाई रखी हुई है, तो पता नहीं क्या धूमधाम करेंगे आज। बाय द वे, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, बने रहें आप हमारे साथ। बताओ कैसे हो तुम? बताओ हाय। आप बताओ रितेश, क्या क्या डालेंगे इसमें? और दादा बन गोभी काट दी है। तुम्हारे दिवाली क्या क्या कार दिवाली में स्पेशल? दिवाली में पकोड़ा बनी, मंदिर गवा, और पटाखे होते के फूल, और खाना खा के सो गए। अरे गजब। फिट होएगा ना डुंग लगा के? एक मिनट ये हेलो गाइस, दिवाली चली गई, उसके बाद बच्चों की जो है छुट्टियां थी, भैया दूज, गोवर्धन पूजा, आज भैया दूज का दिन है, तो सब बच्चों ने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ छोटी सी पार्टी कर ली जाए। तो हमारे यहाँ पहाड़ों में जो है बच्चे पार्टी जो करते हैं वो सब क्या बोलते हैं? छाक, छाक मनाना। तो इसमें बच्चे सब मिलजुल के जो है अपने अपने घर से कुछ लेके आते हैं और फिर जाके कुछ बनाते हैं। आज डिसाइड किया है कि बच्चे खाएंगे या पिएंगे, क्या पिएंगे? सूप, ठीक है, वेज सूप। तो आज वेज सूप बना रहे हैं और बच्चे उसे बनाएंगे, फिर हम बैठ के सब उसे पिएंगे गरम गरम और सूप का लुत्फ़ लेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे बनता है सूप, कैसे एंजॉय किया जाता है। और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। अच्छा, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्या करें? चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं। ये जो है अभी अभी चूल्हा बनाया है, ये बनाया है साहिल ने। साहिल हाय बोलो एक बार। हाय। ये साहिल ने चूल्हा बनाया है और आज की कुकिंग ये मिलके करेंगे, मैं खाली वीडियो बनाऊंगा, तो बने रहें हमारे साथ।
राइस, ये सब्जियां जो है ये वेजिटेबल, इनसे बनेगी वेज सूप। इसमें है मैक्रोनी, पत्ता गोभी, बेबी टमाटो, ग्रीन चिली और मैगी नूडल्स, प्याज, लहसुन, अदरक, कैप्सिकम, ग्रीन, रेड और ये चटनी। और क्या क्या डालेंगे इसमें वो आपको हमारी शेफ, हाय अब तो समा रहे हो, हमारी शेफ बताएंगे जैसे जैसे हम इस सूप को बनाएंगे, है ना? क्या क्या डालेंगे इसमें और बताओ, कैसे हो तुम बताओ, हाय आप बताओ रितेश, क्या क्या डालेंगे इसमें और शाबाश, और नहीं पता, चलो ठीक है फिर देखते हैं। अब इसकी जो है सब्जियों की चॉपिंग हो रही है, चॉपिंग दिखाएंगे आपको। क्या छील रहे हो आप? ये उत्तराखंड की हसीन वादियों का नजारा। हाँ तो बच्चों, तुमने दिवाली कैसे कैसे मनाई अपनी अपनी बताइए। बहुत ही अच्छी मनाई, पटाखे फोड़े, मंदिर में गए, बाबा जी के दर्शन करे, बहुत ही अच्छे से दिवाली मनाई। शाम को हमने पटाखे जलाए सब। अच्छा अच्छा करी। और कन्नू आप बताओ आपकी दिवाली कैसी रही? अच्छी। क्या क्या करा दिवाली में? पटाखे नहीं फोड़े तुमने? पटाखे फोड़े, मंदिर गए। और वह शर्माते हैं। आप बताओ अनीश। बहुत अच्छी रही, जो अभी भाई ने कहा वही गए हम भी। कहाँ गए? मतलब कहाँ गए? सब जगह। आप बताओ रितेश, कैसी रही दिवाली? अच्छा। क्या क्या किया आपने दिवाली में? मंदिर गए, वहाँ से पटाखे, वहाँ पे पूजा करी, पटाखे फोड़े, घर पे आए। अच्छा। पूजा करी और फिर पटाखे फोड़े और खाना भी तो खाया होगा। किसी ने खाना नहीं खाया उस बारे में तो कोई बता ही नहीं रहा। क्या क्या खाया आपने घर पे? शाम को पनीर बनाई हमने। अच्छा। चावल के साथ। अच्छा। रोटी। और कन्नू आपने आपने क्या खाया दिवाली में? बोल। बता बता क्या खाया? अनीश बोल। और आपने अनीश? आलू की सब्जी और रोटी। अरे गजब। पूरी में? पकोड़े। अच्छा अकेले अकेले खाए पकोड़े, मुझे नहीं खिलाए? कोई बात नहीं दोस्तों, गलत बात। करेला गलती से बेटा, करेला वाला ना आता डाल दो, कोई खराब थोड़ी ना होगी।
ना फिट होएगा ना डुब लगा के। साहिल को धुआं लग रहा है, धुआं भी बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। लकड़ी गीली होंगी क्या? गाइस आप देखिए काफ़ी रात हो गई है और ये दूर दूर गांव में छोटी छोटी से आपको लाइट दिख रही होंगी, ये घरों की लाइट है। ये देखिए अंधेरा होने के बाद कुछ ऐसा हो जाता है पहाड़ों में। अरे यार वो पड़ा तो पड़ा है, खिलौने खेला था तुझसे, कर लाना मैं ऐसा मुंडी ऐसा है वो ठीक है तो जब तक ऐसे चलाएगा ना उसे मान दबा मैं बैठना नहीं, जिस चूल्हे में तुम पकाता है उसी में बम डालता हो। तुम कहाँ जा फोटो करने? वो जा रहा है ना? है तो तुम कहाँ? पापा बुदिया। अभी लग आग कुछ नहीं लगी। हाँ सर। कौन उगाया भाजी का जलान पड़ गया नगर लफड़े भी दिल्ली में प्यार। नहीं कितनी जगह है मिलो। लोग 25 दिल्ली खर्च करेंगे पर आज जगह चल रहा है। उत्कर्ष से 500 तिले खर्च करने पर ये काम नहीं जा रहा। बढ़ दे लाइम ब्रो लाइम क्या बोलियो लास्ट बोला साइकिल तिले तिले जलाने के लिए संपर्क करें। हाँ जल्दी से आग जलाने के लिए संपर्क कर रहे हैं। विजिटिंग कार्ड बनाना पड़ता है। अबे आज नहीं क्या जाएं अंडा दाने दिखा जल्दी तो
उन्हें एक बात मतलब ये काम हम संतोष बड़ी कमी महसूस होनी था है ना जन मंदिर को हम लकी हाँ हाँ लकी भी आज लकी नीचे वेल रैन से तभी हल्ला करन जा खूब तो बोलन विजय लाना बार भाई के को बना तो मैं यहां भेजी बोलन तो इंतजार नहीं कर सको तुम मत अनि चाकू भी लिया था यहां मैं नहीं बैठा हूं मैं लेगी तो गाइस फाइनली सूप जो है तैयार हो गया हमारा थोड़ा टाइम लगा बनने में जब हमने वीडियो बनाना शुरू करी थी तो उस समय काफ़ी उजाला था और अब देखिए काफ़ी अंधेरा हो गया ये जो लाइट दिख रही है छोटी छोटी ये काफ़ी दूर दूर जो है गांव है इस समय सिर्फ आपको गांव में मकानों की जो है ये लाइट दिख रही होंगी ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है रात के टाइम पर और अब हम चूल्हे में जो आग जलाई थी उसे बुझाएंगे कभी भी आप पहाड़ों में अगर खुली जगह में कोई कुकिंग करते हैं तो आप उसके बाद उस आग को जरूर बुझा दें पानी डाल के क्योंकि यहाँ अगर एक चिंगारी भी उड़ के जाएगी तो घास पे आग लग सकती है और वो घास पे आग लगने के बाद उस आग का जो रूप है काफ़ी बदल जाता है काफ़ी नुकसान होता है इसलिए कभी भी थोड़ा और चल रहा है और डाल देना पानी से पूरी तरह से बुझा दो इसे तो शेफ क्या कहते हो आप बहुत मेहनत करी है साहिल ने चले आओ भाई आ जाओ बच्चों सूप बनकर है तैयार झटपट खाओ क्योंकि गरम गरम सूप है ना झटपट अभी ले लो तो टेस्ट करो शेफ साहिल ने बनाया भाई देखो कैसा बनाया मैंने बना बढ़िया बना हाँ यार कैसा बना उत्कर्ष रिति कन्नो सही बनाया साहिल ने तो साहिल जी आपने खुद बनाया अपना बनाया हुआ कैसा लग रहा आपको मैंने नहीं बनाया भाई की सहायता से नहीं सहायता वगैरह नहीं आपने बनाया पूरी वीडियो में आप ही हो आप ही बना रहे हो कैसा बनाया आपने टेस्ट बढ़िया अब हम भी टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा है ना हमारे जो पहाड़ी भाई बंद दिल्ली रहते हैं या और शहरों में रहते हैं जिन्होंने कभी बचपन में अपने समय सब बच्चे मिलके जो मतलब छोटी सी पिकनिक करते हैं पार्टी करते हैं उसे छाक बोलते हैं और ये आज छाक मना रहे हैं बच्चे